दहली से तो सिरनाग में का सकते मेरा नाम है बशीर अहमद परे, मैं कंसर्न वार्ड मेंबर हूँ, वार्ड नंबर 3 बटमवाला सुंबल। और यहाँ पे एक टेंपल है, इसका नाम है अस्थापन श्री नंद किशोर महाराज। ये पानी कहावत है कि यहाँ पे आते थे वो पंडित बरादरी लोग, यहाँ से मिलजुल के रहते थे और बिल्कुल आपस में प्यार मोहब्बत बांटते थे। मुझे याद है जब मैं छोटा था वो यहाँ आपस में बिल्कुल अच्छे से रहते हैं, लेकिन हमें बहुत दुख है कि आज यहाँ पे हमें बहुत बेचैनी है कि वो यहाँ कब आए और यहाँ अपने मजहब का प्रचार करें। क्योंकि हमारे हिंदुस्तान मुल्क में बिल्कुल मजहबी आज़ादी भी है, बिल्कुल यहाँ हर एक को अपने मजहब की पैरवी करनी चाहिए और ये हमारे लिए एक बड़ी शान है। बिल्कुल मैं ये समझता हूँ कि एक बाग बाग में एक ही फूल नहीं सजता है, बल्कि बाग में बहुत सारे फूल होने चाहिए। इसी तरह से बाग सजता है। जब हमारे पंडित बरादरी लोग यहाँ आएंगे और यहाँ मिलजुल कर रहेंगे तो हमारा दिल भी बहुत खुश होगा। दूसरी बात यह है कि ये नंदकिशोर जो हमारा ये टेम्पल है बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे हमने म्यूनसिपलिटी के चेयरमैन साहब जहांगीर डार साहब ने भी यहाँ बहुत मेहनत की, इसके बारे में बहुत कोशिश की और यहाँ पे उसने अपने फंड्स में तकरीबन 35 लाख रुपए इस पर वागुजार किए हैं। लिहाजा मैं गवर्नर साहब से अपील करता हूँ और कंसर्न DC साहब और डॉक्टर ओए साहब से मैं अपील करता हूँ, बस इस कंसर्न वार्ड मेंबर कि यहाँ इसका DPR बन गया है और इसकी लेटर जो RNB में भी है और म्यूनसिपलिटी में भी है, तकरीबन मैंने खुद अपनी आंखों से वो लेटर देखी है, 1,59,00,000 रुपए। बराई मेहरबानी DC साहब और गवर्नर साहब से मैं अपील करता हूँ हाथ जोड़ कर कि वो बराई मेहरबानी इन फंड को जल्द अज जल्द वागुजार करें। मेरा नाम जहांगीर डार है और मैं यहाँ सबका MC प्रेजिडेंट भी रहा हूँ टिल डेट तक। तो आज हमने इस मंदिर की सफाई की और इससे पहले भी मैंने काफ़ी बार हर रोज़ जब भी कोई यहाँ कोई इनका अपना त्यौहार होता है पंडितों का, मैंने हमेशा इस मंदिर की सफाई करवाई और आज भी हम आए अपनी सुई पर लेके तो आज हमने इस मंदिर की फिर सफाई की। तो हमारा यही एक पैगाम है कि भाईचारा जिंदा है और कश्मीरियत जिंदा है और इसके साथ साथ हम चाहते हैं कि कश्मीरी पंडित वापस आए, वो अपनी ज़मीनों पे वापस जहाँ उनके मकान पहले थे वहाँ पे वापस आए, न कि कॉलोनी में आए। तो हमारी यहाँ कोशिश यही है कश्मीरियों की कि वो वापस आए और हमारा भाईचारा जिंदा फिर से रहे। और ख़ासकर जो हमारा सुंबल सोनावारी है यहाँ पे एक खूबसूरत एक नंदकिशोर टेम्पल है, तो काफ़ी पुराना ये टेम्पल है। तो हम चाहते हैं कि हम अपने इलाके में अब भाईचारा अभी भी जिंदा रखते हैं और कोशिश करेंगे हमेशा जिंदा रखेंगे। और हमारी यही कोशिश रहेगी, सरकार से हमारी यही गुजारिश रहेगी जितने भी टेम्पल हमारे कश्मीर उन टेम्पलों को फिर से मेंटेन किया जाए और फिर से वैसा कि वैसा बनाया जाए जो आज से 30 साल पहले थे। इस मंदिर को हमने अपने फंड से 3 लाख रुपए दिए जिसमें हमने इस पर टैल लगाए और इसके साथ साथ एक खूबसूरत पार्क जहां बार अभी बन रहे हैं उसमें भी हमने 35 लाख रुपए अपने फंड से वागुजार, म्यूनसिपलिटी के फंड थे हमने वागुजार किए अपने टेनवर में हमारे काउंसलर ने और हमने मिलजुल के।